धारा के इंतखाबात को 2 बरस मुकम्मल। तहरीके इंसाफ सबसे मकबूल जमात बनकर सामने आई। अपोजिशन ने इलेक्शन को धांधली ज्यादा करार दिया था। हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम कितने मुतमईन, समा को बता दिया। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल ना कर पाई। चीनी 85 से 90 रुपए किलो दस्तयाब। कराची में आटा सबसे महंगा। लाहौर में 70 रुपए में फरोख। सब्जी, दूध और दही के नर्ख भी बढ़ गए। 2 साल में कामयाबी से मुआशी इस्तेहकाम पैदा किया। $20 अरब के कर्जे भी वापस किए। वफाकी वजीर अम्मा अजहर का पैगाम। वफाकी वजीर इतलाश शिबली फराज कहते हैं, इक्तदार मिला तो मुश्किलात का सामना था। मुल्क को कर्जों के दलदल से निकाला। कम आमदन वाले अफराद के लिए इकदाम किए। हुकूमत के खिलाफ महाज गरम। बिलावल भुट्टो की अख्तर मेंगर से मुलाकात। APC में शमूलियत की दावत। कोरोना केसेस में कमी हो रही है। ईद और मुहर्रम में बहुत एहतियात की जरूरत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट कराया जाए। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। नए कवानीन में तरामीम के लिए भी एक बिल तैयार किया गया। और रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में कत्ल। 9 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयतें घर पहुंचा दी गईं। अहले खाना गम से निठाल। दहशतगर्दी एक्ट के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्जिम समेत 10 अफराद नामजद।